जिम्मेदारी के साथ किया है, तो न सिर्फ खुद उस जिम्मेदारी को समझा है बल्कि अपने जो द पर्सनल अंडर देयर कमांड जो है उनको भी इस चीज से अवगत कराया है। नतीजतन है और वो किसी भी पोस्ट के हों, उन्होंने अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है और न सिर्फ खुद उस जिम्मेदारी को समझा है बल्कि अपने जो द पर्सनल अंडर देयर कमांड जो है उनको भी इस चीज से अवगत कराया है। नतीजतन आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के रिलेशन जो है वो ग्रेड बॉर्डर के ऊपर भी और इंटरनल एरियाज के अंदर भी बड़ी मजबूती से अपना काम कर रही है। बेशक इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रही हैं, लॉन्चिंग पैड उनके एक्टिव हैं और उनकी कोशिश है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को इस तरफ भेजें, मगर बहुत सारी कोशिशें ऐसी पहले भी नाकाम की गई हैं और उनको आने वाले वक्त में भी नाकाम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कश्मीर रीजन का आपने जिक्र किया उसमें बहुत अच्छे से हमारे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। इसके चलते इस महीने में आज तक 48 टेररिस्ट जो हैं वो अलग अलग तंजीमों के मारे गए हैं और इस साल के अंदर जिसके आज 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं 128 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन की है। 70 के करीब लोग हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और 20 के करीब जैश ए मोहम्मद के हैं, 20 के करीब लश्कर तौबा के हैं और बाकी और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वाबस्ता हैं। आज भी एक जो ऑपरेशन वहां लॉन्च किया था बिजबिहाड़ा में, उसमें वो दो आतंकी मारे गए जो 3 दिन पहले एक 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या में शामिल थे, सीआरपी के एक जवान की हत्या में शामिल थे। कल जो ऑपरेशन अच्छा बल में हुआ अनंतनाग में, उसमें भी वो आखिरी आतंकी जो डोडा जिले का रहने वाला था और एक्टिव था वो मारा गया, जिससे डोडा जिला जो है वो फॉर द टाइम बीइंग आतंक से मुक्त हुआ है, दहशतगर्दी से मुक्त हुआ है। इस वक्त साउथ कश्मीर जो आतंकियों का गढ़ अड्डा बन गया था, बहुत सारी जगह जहां पर बड़ी तादाद में इनकी प्रेजेंस थी उनको काफी हद तक खदेड़ा गया है और न सिर्फ खदेड़ा गया है बल्कि उनकी गिनती बड़ी तेजी से नीचे आई है। और खुशी की बात इसके साथ ये है कि जो नए बच्चे जो इनके वरगलाने पर उकसाने पर दहशतगर्दी की तरफ अपना रुख करते थे उनकी तादाद पहले के मुकाबले में बहुत गिरी है, बहुत कम हुई है। उनकी तादाद जो इस साल में आई भी उनमें बहुत सारे बच्चे हमने मोटिवेशन दे करके उन परिवारों की मदद करके जिनके वो बच्चे थे उनको वापस लाया है। बहुत सारा जो इसकी तादाद है वो मारे गए हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर, एक दिन के अंदर भी आतंकी जो बने वो मारे गए। और अभी जो टोटल नए बनने वाले आतंकी थे उनमें से सिर्फ 24 लड़के एक्टिव हैं और इसके साथ ही इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना मजबूती से काम कर रही है कि कुछ अर्सा पहले पिछले महीने की 28 तारीख के आसपास सरजौरी में जो ऑपरेशन हुआ था नौशहरा सेक्टर में, आतंकियों का ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था उसको वहीं पर सेना ने मारा। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आगे पहुंच चुका था, दूसरा एनकाउंटर एक दिन के बाद हुआ, वो आतंकी भी उसमें मारा गया। ये सिलसिला इस तरफ और उस तरफ पीर पंजाल के दोनों तरफ जारी है। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की रियासत और अब ड्यूटी जो आतंक के साए से बहुत देर तक मुतासर रही है, दहशत का जो जहां पर नाच है वो बड़ा लंबा अरसा चला है, लोगों ने अपनी जानो माल का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, उस सिलसिले को जितना कम किया जा सके, इस आतंक के सिलसिले को, दहशत के सिलसिले को, उसके ऊपर फोर्सेस पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड हमारी है जो पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड से दहशतगर्दों को लॉन्च करके इस तरफ भेजने के लिए सतर्क बैठी है, होशियारी से काम कर रही है, मुस्तैद है और मैं समझता हूँ कि वो भी आने वाले दिनों में अगर ऐसी को कोशिश होती है तो उसको नाकाम करेंगे। बहुत थैंक्स।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टेबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टेबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए